जहाँ से गुरु बोले आप मिस्त्री हो जाओ, कितना टाइम तो मिस्त्री बन के रहो। मैंने ऐसे मिस्त्री है जो कोई ऐसा श्रद्धा वाला आए, जैसे रामकृष्ण बैठा था, विवेकानंद नास्तक था, बिल्कुल भगवान को मानने वाला नहीं था, पर आया उसके पास, चीकू मेरे को भगवान दिखाएगा जैसे सूरज दिख रहे हैं ना, ऐसा दिखाएगा, चीकू नहीं हाँ सूरज जैसा दिखाएगा। देखो दोनों का मिलन क्या होता है, दोनों का मिलन तुम शास्त्र का अर्थ नहीं जानते है। वो बोलता है उसका गुरु नहीं केला था, वो बिल्कुल नास्तक था, न कर्म न भक्ति न दया न दान कुछ नहीं करता था, क्योंकि उसका श्रद्धा ही नहीं होती थी। ये अंधश्रद्धा जो तुम्हारी अंधश्रद्धा है, पूरी श्रद्धा नहीं थी। जब भी तू कर्म भक्ति करते भी थे, पूरी श्रद्धा से नहीं, तुमको अंदर में शक था, पता नहीं भगवान के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा मेरे को गुरु करना चाहिए, अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, कौन सा गुरु मिलेगा, मतलब शंका ही शंका थी। जब आप इधर आए हैं तब सब शंकाओं का समाधान होता है। तो देखो उसको ज्ञान भी लगता है ना, जो रामकृष्ण के पास आया तो श्रद्धा से आया और बैठ गया, गया नहीं घर में, बैठ गया कि बस उसको बारी बारी मन भी आए तो तेरी बहन गरीब है, तेरा मायके सने वाला घर में भूख मटाए, तुम चलो। वही रामकृष्ण को बोला तू देवी माता को समझा तो मेरे घर वालों को खाना दे, तो जिस टाइम देवी माता के आगे है तो भूल जाए। अरे देवी माता को ना सुन पदार्थ कैसे मांगेगा, छोटी चीज कैसे मांगेगा, न राम कृष्ण ने मांगा न उस विवेकानंद ने मांगा, क्योंकि उसको चलता रहा ब्रह्म ज्ञान। भाई मेरे को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत नहीं है, पर मन देखो उसका भागता था, तो भी उधर बैठा था तो गुरु के पास आकर मेरे को फिट होने का है। गुरु के पास हमको पूरा ज्ञान उठाने का है। आप इच्छाओं के ऐसा रखो पूरा ज्ञान उठाने का है, चाहे सिर जावे तो जावे, पर मेरा सिखी धर्म ना जाए। मैं ऐसा सिख बनूं, ऐसा श्रद्धा में आऊं जो मैं पूरी बात गुरु से लेना देना करके पूरा निश्चय आत्मक बुद्धि। और तुम्हारी आत्मा सबसे न्यारी है, सबको अपना अपना निश्चय है, अपना अपना वाइब्रेशन है, अपनी अपनी भावना है। तो भावना किधर हम लुटाए, जहाँ हमको तिरुपति आए, जहाँ हमको पीस मिले, तो बराबर इधर से मेरे को एक लाल मिली है तो 10 लाल इधर से मिलेगी। सो धर्म कैसे छोड़े, जो दर में दर्द है, जाने मेरा दर्द जाने, सखी मेरा दर्द न जाने कोई, सखी बोलते हैं मेरा दर्द कोई जाने, मेरे को दर्द की दवा दे, मैं फुल स्पंज हो जाऊं, मैं तिरुपत हो जाऊं। जब आए भी है तो लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर, लिटिल नॉलेज थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा अज्ञान, ये मेरे को नहीं अच्छी बात लगती है। आप निम्रता से प्यार से सबसे बेनती करके भी आप टाइम लेके ये पूरी ज्ञान खाली उत्तर प्रश्न करेगा ना, तो मन का सब संसार मन निकल जाएगा, पर अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। रोज तुम्हारे में ऐसे चेंज आ जाए, रोज रोज चेंज। पहले मैं ऐसे भगवान समझते थे अभी ऐसा समझा, पहले ऐसे जानते थे अभी मैंने ऐसा समझा, पर ऐसे नहीं तो तुम मेहनत को पानी में डाल के और तुम दुनिया के रस में चले जाओ। फिर लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर, शॉर्टकट भी ऑलवेज डेंजर। कई आदमी शॉर्टकट रास्ते में जाता है उधर पत्थर कांटे पड़े हैं तो मरते हैं, शीशा काटता है उसको। ऐसे नहीं, रॉयल रोड से चलो, फ्री रोड से चलो, अच्छी तरह से चलो, अच्छी तरह से उठो, अच्छी तरह से गुरु से भी पूरा हिसाब किताब करो। ये गुरु तुम्हारा पैगाम लेके आया है, मैसेज लेके आया है, मैसेंजर है, तो तुमको मैसेज पूरा लेने का है। आप अधूरा मैसेज लेके फिर घर में चले जाते हैं, फिर घर में जाके वही 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 करते हैं कर्म पहले वाले, ये बात सच्ची नहीं है। सच्ची बात है तो इस ज्ञान के लिए पहले पूरा टाइम दियो, हमेश के लिए तुम्हारा नफा ही नफा है, फिर हमेश के लिए नफा है, पर पहले एक बारी पूरी श्रद्धा पूरा प्रेम पूरा विश्वास पूरा जो संकल्प अंदर उठे, फिर वो आके गुरु को बता के और ज्ञान पूरा करे। जैसे राम वशिष्ठ से पूरा पूरा आके उत्तर प्रश्न करता है, पूरा उत्तर प्रश्न करने से ही मन खाली होता है। पर गुरु की मत तू ले यानी भक्त बिना वो डूबे से, मन मत त्यागे और गुरु मत ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु के भाव में चलना पड़ेगा, गुरु के भाव में उठना पड़ेगा। अब मालिक हमारा कौन है, पहले तुमने जो किया मेरे से पहले, शादी किया, बच्चा किया, घर किया, सब किया,
भले अभी भी कोई काम हो पूरा करके मेरी शरण जरूर आके दियो भगवान, अभी तू मेरे को बता मेरे में ये संसार है वो संसार है। पर जे तुम गली गली घूमेगा तो टाइम वेस्ट चला जाएगा।